से पाकिस्तान पर हो रहा होगा तो भारत पूरी तरह मजबूत। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और साथ ही चीन पूर्वी एशिया में आगे दौड़ेगा। चीन के इस मौसे का रफ रोकने के लिए अमेरिका भारत के और करीब आ जाएगा, लेकिन अमेरिका अभी तक पाकिस्तान को दूर से ही देखता रहेगा। अमेरिका के 15 जानकार लोगों की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के गले में फांसी का दूसरा फंदा पड़ेगा साल 2012 में। एक ऐसी तारीख आएगी जब पाकिस्तान पर आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा। साल 2012 में पाकिस्तान का यह आतंकवादी हुकूमत एक हिमाकत करने की सोचेगा। एशिया 2025 नाम की ये अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि आतंकवादी सरकार साल 2012 में कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करेगी। इसके बाद भारत के बर्दाश्त की हद खत्म हो जाएगी। भारत पहले चेतावनी देगा लेकिन पाकिस्तान सही मानेगा और फिर भारत देगा पाकिस्तान घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब। अमेरिका के 15 जानकारों की पूरी डिटेल रिपोर्ट में एक एक बात का जिक्र है। इसमें लिखा है कैसे भारत की फौज पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर तक बड़े आराम से पहुंच जाएगी। अमेरिकी जानकारों की स्टडी में चीन का भी जिक्र बार बार आता है। इसमें लिखा है कि साल 2012 में जब भारत की सेना पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के अंदर होगी तब चीन अपनी सेना भारत के पूर्व में मिजोरम, नागालैंड, असम और सिक्किम तक ले आएगा। 15 अमेरिकी रक्षा जानकारों की रिपोर्ट में यह कहा गया है पाकिस्तान को एटम बम चलाने से रोकने के लिए भारत पाकिस्तान के एटमिक ठिकाने को नष्ट करने की कोशिश करेगा। इससे तो पाकिस्तान का खात्मा तय ही हो जाएगा। पाकिस्तान को लगेगा कि अब हमारे पास एटम बम बचेंगे नहीं, इसलिए वो भारतीय सेना पर एटम बम से हमला करने का प्लान बनाएगा। अमेरिकी जानकारों के मुताबिक अमेरिकी जानकारों की रिपोर्ट अमेरिका को वक्त वक्त पर मिली खुफिया जानकारी को इकट्ठा करके बनाई गई है। इसमें लिखा है कि साल 2012 में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ऐसे हमले को रोकने के लिए अमेरिका सामने आएगा। अमेरिका एक एक कर पाकिस्तान के सारे एटम बम खत्म कर देगा। अमेरिका के पीछू बम पर पाकिस्तान के बच्चे कुछ एटमिक ठिकाने पर हमला करेंगे। अब चीन को भी अकल आएगी, उसे समझ आ जाएगा कि भारत और अमेरिका की मिलीजुली ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद चीन भारत की पूर्वी सीमा से अपनी सेना वापस ले लेगा। 15 मशहूर जानकारों की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और भारत के हमले को पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। पूरे पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी, सूबे टूटने लगेंगे,